नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुख करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों की ओर। सीएनजी की बढ़ती कीमतों से परेशान ओला, उबर, ऑटो, टैक्सी। दिल्ली में हड़ताल, 10,000 आरटीवीवी के चक्कों पर भी ब्रेक। दिल्ली के जहांगीरपुरी समेत कई शहरों में भड़की हिंसा का मामला, पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। एनआईए से जांच कराने की मांग। सीडीएस पद के लिए सेनावृत और सेवारत दोनों अधिकारियों पर विचार की संभावना। जनरल रावत की मृत्यु के बाद से खाली है पद। आशीष मिश्रा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की जमानत, एक हफ्ते में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा जहांगीरपुरी हिंसा का मामला, याचिकाकर्ता की अपील, मौजूदा जज की अध्यक्षता में बने कमेटी। हिमाचल के धर्म संसद में भड़काऊ भाषण के बाद एक्शन में पुलिस, आयोजनकर्ताओं को भेजा नोटिस, भारी सुरक्षा बल देना। जहांगीरपुरी हिंसा पर बड़ा खुलासा, कुशल चौक का 2020 में हुए दिल्ली दंगों से है कनेक्शन। सेना के कमांडरों की कॉन्फ्रेंस में सीमा की सुरक्षा चुनौतियों के साथ रूस यूक्रेन युद्ध के प्रभाव की होगी समीक्षा। पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ताओं और एसडीपीआई नेता के हथियारे, अब तक फरार, पुलिस बोली दोनों की हत्या पूर्व नियोजित साजिश। महाराष्ट्र में धार्मिक जगहों पर इजाजत के बाद ही लगाया जा सकेगा लाउडस्पीकर, विवादों के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा फैसला। रेल मंत्री की बड़ी घोषणा, दिल्ली से एमपी के खजुराहो के बीच जल्द चलेगी वंदे मातरम ट्रेन। मोदी के कार्यकाल में तेजी से घटी भारत की गरीबी, विश्व बैंक की रिपोर्ट ने उजागर की देश का प्रगति की तस्वीर। दिल्ली एनसीआर सहित कई राज्यों में फिर बढ़ने लगा पारा, झेलने होंगे लू के थपेड़े, बारिश की संभावना। कानून की नजर में लाउडस्पीकर का विरोध, सुप्रीम कोर्ट कर चुका है साफ, जबरन ऊंची आवाज मौलिक अधिकार का उल्लंघन। पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर बढ़ेगी चौकसी, बीएसएफ इस साल भर्ती हुए 9,500 जवान। सुरक्षा का एहसास। बहराइच में रिश्तों की खूनी खेल, डबल मर्डर में मचा हड़कंप, भतीजे ने चाचा चाची को उतारा मौत के घाट। फरुखाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी आग, कूड़े के ढेर में लगी आग से मचा हड़कंप। कानपुर में सबको भाया, 350 मीटर लंबा पुष्पक विमान, रामोत्सव कार्यक्रम का आयोजन। देवरिया में तेज रफ्तार का कहर, बिजली की ट्रांसफार्मर से टकराई कार, मोटरसाइकिल सवार भी हुआ हादसे का।
शिकार। हादसे में एक की मौत, कई लोग हुए घायल। फरीदाबाद में लड़की की आत्महत्या पर खुलासा, भाई ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला। सीसीटीवी फुटेज में चौंकाने वाला खुलासा, लड़की की हत्या की आशंका, हत्या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा सप्ताह, परिवहन मंत्री जयशंकर सिंह बोले, ऑनलाइन होगा डीएल का टेस्ट, घर भी पहुंचेगा। गाजीपुर में भोजन में जहर मिलाकर पत्नी और दो बच्चों को मारकर लगाई फांसी, चार की मौत। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिनंद अग्रवाल बोले, अब कोरोना की चौथी लहर आने की आशंका नहीं। कानपुर नगर निगम में चल रहा टैक्स घटाने का खेल, 16 लाख का टैक्स 74,000 में रफा दफा। बच्चों के लिए धोखा साबित हो रहे सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल, पांचवी के बाद प्रवेश की व्यवस्था नहीं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेयर पर ली चुटकी, सीताराम जी आप तो दान कर सकते हैं। गोरखपुर में 100 दिन में 2000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का होगा शिलान्यास और लोकार्पण। अधिकारियों पर सख्त हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा जहां तैनाती वहां हर हाल में रुके अफसर। गोरखपुर में सीएम योगी ने अधिकारी को चेताया, बक्से नहीं जाएंगे भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी। बाराबंकी में भीषण आग लगने से जलकर राख हुए कई घर, महिला भी झुलसी, चार मवेशियों की मौत। लू के लक्षणों वाला कोरोना खतरनाक नहीं, लेकिन सावधानी है जरूरी, मेरठ के विशेषज्ञों की राय। लखनऊ में 140 करोड़ की लागत से बनने वाला फ्लाईओवर का काम हुआ तेज, अब जाम से 2 लाख लोगों को मिलेगी रजा। देश की राजधानी में हिंसा रोकना दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती। मुजफ्फरनगर में ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराई कार, दिल्ली से देहरादून घूमने जा रहे दो दोस्तों की मौत। बुलंदशहर में साइबर ठगों का नया कारनामा, एसएसपी का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर पैसों की डिमांड। कुरैशी से जुड़े कुछ और लोग रडार पर, नंबरों की हो रही जांच। मेरठ में प्रेम विवाह करने वाली बहन के पति की गोली मारकर हत्या, बलकटी से गर्दन भी काटी। जेल में खूब सोया गोरखनाथ, मंदिर पर हमले करने वाले आरोपी अहमद मुर्तजा ब्रेड खाकर बिताई पहली रात। बिजली उपभोक्ताओं की फरियाद, 6 माह से अनसुनी उपभोक्ता व्यवस्था, निवारण फोरम चेयरमैन विहीन। देर
रात भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बोलेरो की टक्कर में 6 लोगों की मौत, 4 की हालत गंभीर। लखीमपुर में विधायक लिखी बेकाबू स्कॉर्पियो ने 2 सगे भाइयों को रौंदा, दोनों की दर्दनाक मौत, चालक हुआ गिरफ्तार। आजम कोवैसी की पार्टी AIMIM का न्योता पत्र लिखकर कहा, अखिलेश नहीं मुस्लिमों के हितैषी हमारे साथ आए। शिवपाल यादव ने की योगी सरकार के कार्यों की तारीफ, भाजपा में शामिल होने के सवाल का भी दिया जवाब। स्वरोजगार पर भी योगी सरकार का फोकस, 100 दिन में 21,000 करोड़ रुपए का ऋण वितरण का लक्ष्य। जलालपुर हिंसा में 2 और आरोपित गिरफ्तार, अब तक कुल 11 पत्रियों को हिरासत में ले चुकी है पुलिस। आने वाले 24 घंटे में मौसम रहेगा शुष्क, तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना। धाम में पहली बार शुरू हो रही श्रद्धालुओं के लिए नई सेवा, वेबसाइट पर करानी होगी बुकिंग। रुड़की जलालपुर हिंसा में सुनियोजित साजिश का संकेत दे रहे साक्ष्य, ग्रामीणों का आरोप धर्मस्थल से हुआ था, हथियार लेकर जुटने का ऐलान। कोविड कर्फ्यू के बाद कमाई हुई कम तो खिलाने लगा IPL में सट्टा, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में की प्रवासी उत्तराखंडियों से भेंट की, राज्य के विकास में सहयोग बनने की अपील। चंपावत में उपचुनाव लड़ेंगे सीएम धामी, जल्द इस्तीफा दे सकते हैं कैलाश गहलोत, दूर हुए रवाना। हरिद्वार में चोरों ने तोड़े नगर निगम दफ्तरों के ताले, खंगाली फाइलें, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। हनुमान जयंती पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव, दरोगा समेत 10 लोग घायल, उत्तराखंड ने जारी किए गए हाई अलर्ट। उत्तराखंड में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ग्रहण किया पदभार, हवन पूजन के बाद संभाली जिम्मेदारी। पांच धरोहर निर्माण कला और नक्काशी का अद्भुत नमूना, ई आकार में बनी इमारत के निर्माण में सर एंथनी पैट्रिक मैकडोनल्ड की थी अहम भूमिका। हरिद्वार में पथराव के दौरान घायलों ने सुनाई आप बीती, कहा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ शोभा यात्रा पर फेंके गए थे पत्थर और कांच के बोतल। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू, 1 मई से दूसरे राज्यों में वाहन के लिए होंगी जारी। पुस्तकालय अध्यक्ष के पदों पर चयन निरस्त होने पर अभ्यर्थियों में रोष, कोर्ट जाने की चेतावनी। कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रशिक्षु IAS के दल ने करीब से वन गुजरों की देखी जीवन शैली। ईरान राष्ट्रपति की चेतावनी, अगर उठाया कोई विरोधी कदम तो इजराइल बनेगा निशाना।
श्रीलंका में विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति ने नए मंत्रिमंडल का किया गठन, 17 मंत्रियों को मिली जगह। शंघाई में सख्त लॉकडाउन के बावजूद भी नहीं सुधर रहे हालात, कोरोना ने 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान में अब पत्रकारों की सुरक्षा होगी चाक चौबंद, इमरान सरकार में हुए हमलों से भी उठेगा पर्दा। गृहयुद्ध की ओर बढ़ रहा पाकिस्तान, फवाद चौधरी ने किया आगाह, कहा नाराज आवाम को नहीं रोक पाएंगे इमरान। संयुक्त राष्ट्र का दावा, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण हर पांचवा इंसान हो सकता है गरीबी और भुखमरी का शिकार। यूक्रेन में रूस के एक और जनरल की मौत, अब तक 8 जनरल और 34 कर्नल गंवा चुके हैं जान। कोरोना से कोहराम, शंघाई में कोविड की नई लहर से पहली बार 3 लोगों की मौत। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ का पीएम मोदी को जवाबी पत्र, क्षेत्र में शांति सुरक्षा और कश्मीर पर कही बात। खरगोन हिंसा में पहली मौत, लापता सद्दाम का शव इंदौर के हॉस्पिटल में मिला। छोटे ब्रांड्स के प्रोडक्ट यूज इस्तेमाल करती हैं देश की 80% आबादी, कैट के सर्वे में आया दावा। SBI के होम लोन होंगे महंगे, बैंक ने MCLR में बढ़ोतरी। MCLR में बढ़ोतरी से अब बैंक के होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन होंगे महंगे। अब बदल गया RBI विनियमित बाजारों में कारोबार का समय, अब महामारी से पहले वाले समय पर ही होगी ट्रेडिंग। हांगकांग ने 24 अप्रैल तक एयर इंडिया की उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध, 3 यात्री मिले कोरोना संक्रमित। एलन मस्क ने कहा मेरी नहीं दूसरी बोलीदाताओं की चिंता करें, ट्विटर एलन मस्क के पास है ट्विटर 9.2% हिस्सेदारी। संकट गहराने से बढ़ी कच्चे तेल की कीमत, सप्लाई चेन बाधित होने की आशंका। आज से बदल गया बैंकों के खुलने का समय, अब होगा करोड़ों ग्राहकों को फायदा। ट्राई की नई सिफारिश से टेलीकॉम कंपनियों की होगी मौज, को स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के 10 साल बाद सरेंडर करने की होगी अनुमति। अफगानिस्तान को $32 मिलियन की मानवीय सहायता मिली, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने युद्ध के बाद देश की मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा। अलीगढ़ में मिनी औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर होंगे उपलब्ध। गौतम गंभीर मनाएंगे IPL में इतिहास रचने वाले भारतीय का जन्मदिन, तीनों फॉर्मेट में है इंटरनेशनल शतक। हार्दिक पांड्या की जगह स्पिनर राशिद खान को मिली गुजरात की कप्तानी, चेन्नई के खिलाफ 1 ओवर में बदल दिया मैच।
विलर मिलर ने चेन्नई के मुंह से छीनी जीत, 94 रन की तूफानी पारी खेलकर मनाया जश्न। आईपीएल से दूर इंग्लैंड में भारतीय ने जमाया दोहरा शतक, फॉलो ऑन खेल रही टीम को हार से बचाया। आईपीएल में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने भुवनेश्वर कुमार, तोड़ा संदीप शर्मा का रिकॉर्ड। फिर हारी चेन्नई सुपर किंग्स, डेविड मिलर और राशिद खान ने गुजरात को जताई हारी हुई बाजी। पांच मुकाबलों के बाद चला ऋतुराज, गायकवाड़ का बल्ला, गुजरात के खिलाफ जड़ा 50। चेन्नई के खिलाफ राशिद खान का जबरदस्त छक्का देखकर हर कोई हैरान, वीडियो हुआ वायरल। चेन्नई की खराब फॉर्म जारी, गुजरात के खिलाफ हार के बाद बोले कप्तान रविंद्र जडेजा। पंजाब किंग्स ने जितेश शर्मा ने पहाड़ पर ट्रेकिंग करने वालों से की अपनी तुलना, संघर्ष भरा रहा अब तक का सफर। चार को किया गिरफ्तार। डिलीवरी के तुरंत बाद काम पर लौटी भारती सिंह का छलका दर्द, बोली लोग पूछते हैं बच्चा जरूरी है या पैसा। अली मर्चेंट ने अपनी पूरी शादी को लेकर किया खुलासा, कहा डीजे की नौकरी के चलते टूटा था रिश्ता। मनुराज और दिव्यांश ने अपने नाम किया सीजन 9 का खिताब, शास्त्रीय संगीत और बीट बॉक्सिंग ने जीता फैंस का दिल। को भेजा बिना खुशबू वाला साबुन, जयेश भाई जोरदार का यह अंदाज, देख चकराए एक्ट्रेस का दिमाग। दीपिका कैटरीना ने रणबीर आलिया को भेजे लाखों के तोहफे, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने की एक्स गर्लफ्रेंड के लिए भेजी कीमत। बाबा सिद्दीकी की पार्टी से जुड़े सितारे, शाहरुख खान सलमान ने लूटी महफिल। ललित पवार ने साइलेंट फिल्म से शुरू किया था करियर, फिर रामायण की मंथान में जीता था फैंस का दिल। विनर प्रिंस अरोड़ा ने की लॉकअप में एंट्री, एक इल्जाम के चलते बने कंगना रनौत की कैदी। राल ठाकुर ने ऑडिशन के दिनों को किया याद, कहा मैं बेशर्मी से जाकर ऑडिशन में खड़ी होती थी और तब तक नहीं आती थी जब तक मेरा टेक नहीं दिया जाता था। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।